हमारा सर्कल है और छोटा होगा और हमारे जो प्लेयर्स हैं आपस में काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ाएंगे और हमें एक्शन देखने को मिल सकता है। जैसा क्रैट फिलहाल यहाँ पे एस जी की जैसे बात कर रहे थे तो बहुत ही अच्छे, फाइनली उनको वो मोमेंटम मिल चुका है। इवो ने हावेवर यहाँ पे सिर्वी को नॉक कर दिया। बात करते करते दो प्लेयर्स यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं और इसी के साथ पूरी की पूरी आई थिंक स्क्वाड जो है वाइप आउट हो चुके हैं। गिल अभी तक हावेवर स्टिल सर्वाइविंग है। वीएससी क्रॉलर्स के लिए ये एक बेहतरीन चिकन डिनर देखने को मिल सकता है। सीजी ने वापस जीब्रा को भी नॉक कर दिया स्प्रेड आउट करते हुए। सीजी पीछे की तरफ से बॉम्बर के ऊपर भी बहुत ही बेहतरीन नॉक निकाले। आइकॉनिक अभी भी बचे हैं, उनके स्क्वाड की तरफ से एक अच्छा एंगल निकाल रखा है। इवो हावेवर पुशिंग करते हुए आइकॉनिक स्पॉट करेंगे, आइकॉनिक नॉक करेंगे, बट पीछे की तरफ से डार्क भी यहाँ पर सपोर्ट पाए दे सकते हैं। एचपी ने एक बहुत ही चीकी फ्लैंक ले रखा है। अगर एचपी का ये फ्लैंक सक्सेसफुल हो जाता है तो कुछ बेहतरीन गेम प्ले देखने को मिल सकता है। अभी को भी यहाँ पे आइकॉनिक ने नॉक कर दिया। तीन प्लेयर्स को यहाँ पे आइकॉनिक का बहुत ही बेहतरीन नॉक मिलते हुए पावर हाउस के आइकॉनिक यहाँ पे ओकेजन आता हुआ जहां पे जरूरत पड़ी कितना बेहतरीन गेम प्ले का प्रदर्शन दिखाया है यहाँ पे वीएससी क्रॉलर्स के। एचपी लास्ट प्लेयर अभी बचे पावर हाउस के प्लेयर्स यहाँ पे उनको पता चल चुका है, तीन प्लेयर्स को नॉक कर चुके, एक ही प्लेयर बचे। देखते हैं क्या एचपी यहाँ पे क्लच आउट कर पाएंगे। 1v2 का सिचुएशन है, एचपी का यहाँ पे पोजीशन मिल चुका है। डार्क यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए पिन डाउन हो चुके हैं। यहाँ पे आइकॉनिक राइट हैंड टच पुश इन करेंगे। देखते हैं गेम ऑलमोस्ट खत्म होने को आ चुका है, एचपी के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर रहेंगे। एचपी का यहाँ पे बहुत ही प्यारा नॉक आता हुआ यहाँ पे डार्क की तरफ आइकॉनिक और एचपी के बीच में यहाँ पे 1v1 फाइट और यहाँ पे काफी ओपन में स्पॉट आउट कर लिया आइकॉनिक का यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पर्स स्प्रे के साथ M16 के साथ। जस्ट लुक एट द बॉल्स ऑफ दिस मैन, क्या बेहतरीन गेम प्ले क्रैट। और इसी के साथ चिकन डिनर भी अपने नाम कर रखा है। साथ